बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 की सफलता के बाद अब आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 में नजर आएंगे। पहले खबर ये थी कि इसे सिर्फ आमिर खान ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो इसमें एक्टिंग भी करते नजर आएंगे। क्या होगा इस फिल्म में आमिर खान का रोल, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही आमिर खान ने ये खुशखबरी दी थी कि उनके प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म बन गई है जिसमें सनी देओल होंगे और इसे कोई और नहीं बल्कि राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे। साथ ही मूवी के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है जो कि लाहौर 1947 था। इससे जुड़ी एक और खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ सनी ही नहीं बल्कि आमिर भी एक्टिंग करेंगे। ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान फिल्म लाहौर 1947 को ना सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे बल्कि इसमें एक छोटा सा रोल भी करेंगे, या यूं कहें कि उसमें कैमियो भी हो सकता है। वो जल्द ही इसका ये हिस्सा शूट भी करने वाले हैं। वहीं वो इसे अपने ही बैनर तले इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। आमिर खान ने कुछ दिन पहले ही इसकी अनाउंसमेंट की थी और ये बताते हुए काफी खुशी जाहिर की थी कि वो सनी देओल और राजकुमार संतोषी, जो कि उनके पसंदीदा एक्टर और डायरेक्टर हैं, उनके साथ वो लाहौर 1947 बना रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि ये जर्नी अच्छी होगी और सभी से दुआ करने की भी अपील की थी। उधर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस फिल्म का बजट कम से कम 100 से 200 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इसमें सनी देओल की फीस भी कई गुना होगी क्योंकि गदर 2 की सफलता के बाद तारा सिंह के फीस बढ़ने की कई खबरें सामने आई थी। दावा किया गया है कि वो 40 से 50 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे। तो भैया, सनी पाजी की तो चांदी ही चांदी होने वाली है और साथ में आमिर खान भी मिलकर नोट छापेंगे। बाकी स्टार कास्ट और फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही फिल्मों से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल AG Family को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस करें। धन्यवाद।